दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा BMW 7 सीरीज़ के लिए। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूं कि ये कार जो है BMW की 7 सीरीज़ है, ये हमारी वर्कशॉप पे आई है सस्पेंशन के लिए। सो कार का मैंने इसका ट्रायल लिया है और कार में काफ़ी आवाज़ है। जो जब भी मैं इसको मैं बम्पी रोड पर लेके जाता हूँ, रफ़ रोड पर लेके जाता हूँ, तो काफ़ी आवाज़ करती है। इवन कई बार तो ये कार जो है प्लेन रोड पे भी इसके जो शॉकर्स हैं वो काफ़ी आवाज़ करते हैं। तो हम लोग सारा चीज़ जो है वो चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कार का सस्पेंशन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे BMW 7 सीरीज के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं BMW की 7 सीरीज जो कि हमारी वर्कशॉप पे आई है सस्पेंशन ओवरऑल के लिए। सस्पेंशन में काफ़ी आवाज़ थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसका राइट साइड का जो है सस्पेंशन कम्प्लीट रिमूव कर दिया, इंक्लूडिंग शॉकर एवरीथिंग। तो ये कुछ इस तरह से इसका जो नकल है ये हमने रिमूव कर लिया है। ये देखिए, ये हमने इसका सस्पेंशन हम निकाले हैं। ये है इसका लिंक रॉड, ये डैमेज है। ये इसका अपर सस्पेंशन आर्म, ये देखिए ये कुछ हद तक ठीक है। तो इसको हम ओरिजिनल ही चलाएंगे, इसको पुराने वाले को चलाएंगे हम लोग, राइट। इसके बुशेस भी ठीक हैं। और ये इसका लोअर आर्म है, ये पूरी तरह से डैमेज है। इसका देखिए, इसकी बुश की कंडीशन देखिए, इसका बुश भी कटा हुआ है और इसका जो बॉल जॉइंट है ये देखिए, ये पूरी तरह से डैमेज है। एंड ये इसका सेकंड लोअर आर्म है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट डैमेज है। ये देखिए, ये सब हम रिप्लेस करने वाले हैं इसमें। और ये इसका शॉकर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक शॉकर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके शॉकर की कंडीशन देखिए, ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए इसकी बफर किस तरह, देखिए कितना बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और ये इसका माउंट है, ये माउंट भी इसका खराब हो चुका है, टूट गया माउंट इसका, ये हम रिप्लेस करेंगे। और इसकी शॉकर की जो कंडीशन है, शॉकर में कहीं लीकेज नहीं है, अभी भी कोई लीकेज नहीं है शॉकर में। तो हम इसे खोल के चेक करेंगे कि किस तरह से इसकी कंडीशन है, ये पूरा वर्किंग है। अगर शॉकर हमारा ठीक हुआ तो हम इसका बफर किट एंड शॉकर माउंट ये रिप्लेस कर देंगे और इसको ओरिजिनल शॉकर को ही हम इसको चलाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेकेंड जो दूसरी साइड है, लेफ्ट साइड, ये हमारे उस्ताद जी खोल रहे हैं। ये खोलने का प्रोसेस शुरू है इसका, ये देखिए कुछ इस तरह से खोला जाता है इसे। ये हमारे गुड्डू उस्ताद जी है, मैक्सिमम हमारी गाड़ियों का जो लग्जरी गाड़ियों का काम है ये यही करते हैं। ये देखिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब जब ये सारा खुल जाएगा तो हम आपके साथ एक बार फिर इसको शेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या खराब है और हम इसमें क्या क्या रिप्लेस करने वाले हैं। सो गाइज, लेफ्ट साइड का सस्पेंशन भी हमने कम्प्लीटली रिमूव कर लिया है, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसमें भी इस तरह भी सेम जो कंडीशन है जो राइट साइड पे थी हमारा, ये अपर आर्म जो है ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बुशेस भी ठीक है, कहीं से कटे नहीं हुए, ठीक है। ये हल्का सा ये क्रैक है, इसको हम चेक करेंगे प्रेस करके मशीन पे कि ये अगर चलेगा नहीं तो हम इसके बुश रिप्लेस कर देंगे। तो इसके बुश रिप्लेस करेंगे, साथ में फिर सेकेंड अपर आर्म के भी बुश हम नहीं डाल देंगे। और सेम कंडीशन है इनके आर्म की, लोअर आर्म की, ये बुश तो डैमेज है ही है। इसके साथ इसका जो है बॉल जॉइंट इसका बिल्कुल लूज है। ये इसका लिंक रॉड भी डैमेज है, लिंक रॉड इसका, और इसका लोअर सेकेंड आर्म। और शॉकर की सेम कंडीशन है इसकी, ये देखिए इसकी बफर किट का हाल देखिए,
माउंट इसका टूटा हुआ है। बाकी शॉकर खोल के ही हमें पता लगेगा, पूरा डिसमेंटल करेंगे शॉकर, ये स्प्रिंग निकालेंगे, माउंट निकालेंगे, तभी पता लगेगा हमें। ये इसका नकल पड़ा हुआ है, राइट। तो अब हम जो है इसका पार्ट्स मंगाते हैं, पार्ट्स मंगा के नया डालते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से जंपिंग आउट बुश निकले हैं इसके, ये डैमेज है। ये है इसकी जंपिंग रॉड। तो चलिए अब सामान, इसका जो पार्ट्स हैं हम नए मंगवाते हैं, नए मंगवा के आपको दिखाते हैं कि नए किस तरह से फिट किए जाते हैं इसमें, और इसका फिर लास्ट में हम ट्रायल लेंगे। सो गाइस, ये नए सस्पेंशन हमने मंगवा लिए हैं, ये कुछ इस तरह है, आप देखें। ये है इसके पुराने वाले सस्पेंशन जो मैंने दिखाए थे, जो कि डैमेज है। ये इसके लिंकेज, लिंक रॉड। अब हम इसको कार में फिट करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए ये फिटिंग का प्रोसेस जो है ये शुरू हो चुका है, ये कुछ इस तरह से फिट होता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अपर आर्म हम वही यूज़ करेंगे, तो ये उसको क्लीन कर लिया हमने अच्छी तरह लगाने से पहले, साफ़ सफाई उसकी कर ली है, ये देखिए। और अब इसको हम फिट करेंगे कार में। गाइज, हमने इसका जो सस्पेंशन आर्म है ये फिट हो चुके हैं, ये देखिए हम लोगों ने सस्पेंशन आर्म इसके फिट कर दिए हैं। अब इसका सिर्फ रह गया शॉकर। तो जब हमने शॉकर को चेक किया था तो शॉकर भी जो है इसका डैमेज निकला था, तो हमने नए शॉकर जो है ऑर्डर कर दिए, मंगवा लिए हैं, वो आ गए हैं। अब हम इसको शॉकर को कम्प्लीट करके फिट करके, उसका माउंट, उसकी बफर किट एंड सब कुछ उसका न्यू फिट करके, सिर्फ एक जो शॉकर में जो स्प्रिंग लगता है वही पुराना लगेगा। मैं दिखाऊंगा जब वो शॉकर कम्प्लीट हो गया हमारे पास आ जाएगा। और साथ ही साथ हमने जब खोला था, इसको चेक किया था, तो इसके ब्रेक पैड भी डैमेज थे, तो हमने इसके साथ में ब्रेक पैड भी रिप्लेस कर दिया। तो ये राइट साइड से था और कुछ लेफ्ट साइड से इस तरह से है, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सिर्फ शॉकर रहेगा, शॉकर लगने के बाद, लिंक रॉड लगने के बाद ये कार कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम इसका ट्रायल लेंगे। तो गाइज, ये जो मैंने आपसे बात करी थी नए शॉकर के लिए, वो नए शॉकर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके नए माउंट थे, बफर किट न्यू एंड ऑल्सो न्यू शॉकर्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें सिर्फ हमने ओल्ड स्प्रिंग जो है वो यूज़ किया है, एंड ये सेंसर जो है, डैम्पिंग सेंसर बोलते हैं इन्हें, ये यूज़ करते हैं हम, ये पुराने यूज़ हुए थे इसमें, राइट। सो अब ये रहे इसके जो हैं ओल्ड शॉकर जो हमने रिप्लेस किए हैं, ये हमने खोल के चेक किए थे तो ख़राब थे। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे कार को, तो आइए चलिए अब इसको फिट करते हैं कार में। सो गाइस, ये हमारी जो फिटिंग है कार की, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से देखिए, शॉकर भी हमने फिट कर दिया है और इसका लिंक रॉड भी लग गया है, सस्पेंशन आर्म भी कंप्लीट हो गए हैं, ब्रेक पैड एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक पैड इसके ख़राब थे जब हमने चेक किया, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया साथ ही साथ। तो दोनों तरफ से जो है ये कंप्लीट कर दिया हमने, कुछ इस तरह से देखिए, ये टायर लग गया है और ये देखिए। अब हम इसका टेस्ट राइड लेंगे और टेस्ट राइड में कार सक्सेसफुल है तो हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये कार जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसका लेंगे ट्रायल और ट्रायल में देखेंगे कि कोई जंप में किसी तरह की कोई साउंड या कोई भी वॉबलिंग, कार ड्राइव करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम कार को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सीट बेल्ट, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं हम। तो ये कुछ हमारा इस तरह से जो फ्रंट है वर्कशॉप का, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लड़के जो हैं काम कर रहे हैं, एक मर्सिडीज है, ऑडी Q7, ऑडी Q7 न्यू मॉडल, राइट। वर्कशॉप का जो टूर है मैं आपको किस दिन करवाऊंगा अपनी वर्कशॉप का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चलते हैं ट्रायल में। हमारा जो वर्कशॉप वाला रोड है ना,
बहुत ही बेहतरीन रोड है सस्पेंशन को चेक करने के लिए। आप जा नहीं सकते हैं, मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि खड्डे काफी हैं यहाँ पे। कार तो बिल्कुल परफेक्ट है। जब कार हमारे पास आई थी ना, तो काफी जो है जो बम्पी रोड थी, जो खराब रोड थी, उस पर बहुत आवाज करती थी। इवन कई बार जो है वो प्लेन रोड पे भी काफी आवाज करती थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कार जो है वो नियर अबाउट 20 की स्पीड पे है और रोड जो है काफ़ी ख़राब है ये, और मैं इसको लेके जा रहा हूँ और कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं है कार में, यानी कि जो काम किया हुआ है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल है, परफेक्ट है, कोई भी मॉल फंक्शन नहीं है कार में। तो काम जो है बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। चलिए चलते हैं एक लंबे ट्रायल पे और फिर कंप्लीट करके वर्कशॉप पे और कस्टमर को कॉल करते हैं कि उनकी कार कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।